हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो क्या हाल है बच्चों आपका। सो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, नोटिस राइटिंग। तो देखो, अगर आपके स्कूल एग्जाम में नोटिस राइटिंग आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ विद सॉल्व एग्जाम्पल बहुत अच्छे से सिखा दूंगा नोटिस कैसे लिखना है, और मैं आपको एग्जैक्ट सेंटेंसेस बता दूंगा जो आपको यूज करने हैं। तो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी, आई एम डैम श्योर बच्चे आप नोटिस राइटिंग में परफेक्ट होने वाले हैं। With solved example, आज मैं आपको notice writing करवाने वाला हूँ, ठीक है? So, अगर आप किसी भी ग्रेड में हैं, ये वीडियो आपके लिए। और अगर मैं CBSE क्लास 12th की बात करूँ, तो क्लास 12th आपके तो सिलेबस में इस बार फाइनल एग्जाम में नोटिस राइटिंग शॉर्ट आंसर टास्क में वैसे भी 3 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है? तो नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का आता है अगर मैं बात करूँ CBSE क्लास 12th की, ठीक है? या फिर 5 मार्क्स का भी पूछा जाता है, ठीक है? 3 या 5 मार्क्स का पूछा जाता है फॉर अदर ग्रेड्स, ठीक है? तो भाई नोटिस कैसे लिखना है, क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज हिमांश शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर। अगर आपको इस सेशन की नोट्स चाहिए तो ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डाउट्स भी आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, और उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे जरूर फॉलो करो, वहां पे डीएम करके वहां पे भी आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है? तो चलिए, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ बच्चे नोटिस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ नोटिस? देखो नोटिस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इवेंट होने वाला है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, स्कूल में हैं, किसी कंपनी में हैं, किसी कमेटी में हैं, किसी सोसाइटी में हैं, कोई भी इवेंट होने वाला होता है, या कोई भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आपको सब लोगों को स्प्रेड करना है ना, किसी भी इवेंट के बारे में या किसी भी कॉम्पिटिशन के बारे में, है ना? अगर आपको सबको बताना हो तो वह क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर नोटिस लगा देते हैं कि चलते फिरते सब कुछ हर कोई इंसान पढ़ लेता है, अच्छा ये वाला इवेंट होने वाला है। तो नोटिस क्या है, एक बहुत ही शॉर्ट में हम इन्फॉर्म करते हैं सबको कि भाई इस पर्टिकुलर डे पर ये पर्टिकुलर इवेंट होने वाला है, और आपको अपने इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो इस पर्टिकुलर इंसान को अपने नाम लिखवा दो। ये जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब देखो, नोटिस जब भी आप लिखते हो, फॉर्मेट बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर, है ना? सबसे पहले ये अगर आपने पॉइंट्स फॉलो कर लिए ना, तो आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे, बिकॉज यही कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम एग्जाम में करते हैं, तो आधा आधा नंबर हमारा कट जाता है। भाई हमें तो नोटिस में 5 में से 5 या 3 में से 3 लेने। सबसे इम्पॉर्टेंट बात भाई, सबसे पहले नोटिस को आपको एक बॉक्स में बनाना है, हमेशा याद रखना, नोटिस को आपको बॉक्स में बनाना है। अच्छा जी, अब काफी बच्चे बॉक्स को पेन से बना देते हैं, वो नीट नहीं लगता है, तो प्लीज मेक बॉक्स विद पेंसिल। अगर आपके एग्जाम में पेंसिल अलाउड है तो जरूर पेंसिल से ही बॉक्स बनाए, अदरवाइज पेंसिल बनाना पड़ेगा। बट इफ पेंसिल इज अलाउड इन योर एग्जाम, और जनरली होती है CBSE में तो अलाउड होती है, तो आपको क्या करना है, बॉक्स को पेंसिल से बनाना है। क्लोज द बॉक्स आफ्टर कंप्लीटिंग द नोटिस। काफी बच्चे क्या करते हैं, पूरा बॉक्स बना देंगे फिर नोटिस लिखेंगे। अब किसी का नोटिस यहां तक खत्म ही नहीं होता, 2 लाइनें और चाहिए, फिर मिटा रहे हैं, या किसी का नोटिस यहीं पर खत्म हो जाता है, नीचे की स्पेस बची है, फिर मिटा रहे हैं। तो भाई आपके पास एग्जाम में वैसे भी टाइम कम होता है ना, यू ऑल नो, आपके पास बच्चे एग्जाम में वैसे भी टाइम कम होता है, तो आप क्या करो जिससे कि आपको ज्यादा कुछ मिटाना ना पड़े, आप ऐसे 3 बाउंड्रीज बना दो, देन राइट द नोटिस, है ना? फिर जहां पे भी खत्म होगा थोड़ा सा मिटाकर अंडरलाइन कर लेना, या अगर आपको और नीचे एक्सटेंड करना होगा तो खींच के लाइन और एक्सटेंड कर देना। तो हमेशा याद रखना, बॉक्स को आप तब क्लोज करें जब आपका नोटिस खत्म हो जाए, जिससे कि आपका टाइम सेव। अब ग्रामेटिकल मिस्टेक, नोटिस में आधा आधा नंबर कट रहा है, क्यों? नोटिस में हमने आई वर्ड यूज कर लिया, वी वर्ड यूज कर लिया, यू वर्ड यूज कर लिया। डोंट यूज फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, बच्चे हमेशा याद रखो, नोटिस राइटिंग में कभी भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यूज नहीं होता है, ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन, हमेशा थर्ड पर्सन यूज करना है, कभी भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यूज नहीं करना। मतलब आपके नोटिस में आई वी यू ये प्रोनाउंस नहीं दिखने चाहिए, क्लियर? चलो नेक्स्ट, देखो नोटिस क्या है, नोटिस बेसिकली हम नोटिस में किसी इवेंट की डिटेल्स बताते हैं। तो देखो
इवेंट की कुछ बेसिक डिटेल्स होती है जो नोटिस में जरूर मेंशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात है भाई, इवेंट का नाम क्या है, व्हाट इज द डेट, किस दिन वो इवेंट हो रहा है, व्हाट इज द वेन्यू, वेन्यू का मतलब है किस प्लेस पर हो रहा है, किस समय हो रहा है। तो देखो, नेम, डेट, वेन्यू, टाइम, ये जरूर आपको मेंशन करना है। देन नोटिस राइटिंग आपका बेटा शॉर्ट आंसर टास्क है, शॉर्ट आंसर राइटिंग टास्क है। नोटिस बहुत बड़ा नहीं लिखते, अराउंड 50 वर्ड्स बोला जाता है, मैक्स टू मैक्स 60 वर्ड तक आप खींच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बट जो मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा ना लिखने के लिए, उसमें आपका 50 वर्ड्स में हो जाएगा। तो डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, 50 वर्ड्स से ज्यादा एक्सीड नहीं करना, 50 टू 60 के बीच में बस रैप अप कर दो, क्योंकि जो नोटिस होता है बच्चे वो शॉर्ट होता है और क्रिस्प होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब नोटिस कैसे लिखना है, इसका फॉर्मेट क्या है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपने पेंसिल से मानो ये तीन लाइंस ड्रॉ कर ली, ये और ये, बाउंड्री बाद में क्लोज करना। पहली लाइन आपको हमेशा छोड़नी है, मैं एरो बना रहा हूँ, असली में आपको एरो नहीं बनाना है, बस ये एरो बता रहे हैं लीव लाइन। तो नीटनेस के लिए पहली लाइन हमेशा छोड़ो, लास्ट लाइन हमेशा छोड़ो, और कभी भी चिपका कर मत लिखो। मैं आपको बोलूंगा अराउंड 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन इस तरफ दो, 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन इस तरफ दो, मार्जिन बनाना नहीं है, बट कभी भी बॉक्स से चिपका कर नोटिस मत लिखो। नीटनेस के, प्रेजेंटेशन के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं इंग्लिश एग्जाम में, तो हमेशा थोड़ा सा स्पेस आपको साइड में छोड़ना है। उसके बाद रनिंग हैंड में आप लिख सकते हो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपके स्कूल का नाम है तो भाई अपने स्कूल का नाम लिख दो, जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो सेकेंड रो में मिड में आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लिखना, फिर थर्ड रो में आपको कैपिटल में हेडिंग डालनी है नोटिस, NOTICE, ये कैपिटल में होना चाहिए। अभी सॉल्व एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रो में बच्चे आपको लिखनी है डेट, डेट कैसे लिखनी है, जैसे 15 जून 2021, अब फॉर एग्जांपल आज डेट आपकी है 25th ऑफ जून, तो हम कैसे डेट लिखेंगे मैं आपको सिखा देता हूँ, 25 जून 23, दिस इज द वे टू राइट द डेट। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे डेट लिख देते हैं नोटिस में या किसी भी राइटिंग सेक्शन में, अगर आप इस तरीके से डेट लिख रहे हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, स्लैश हाइफन डाल के डेट नहीं लिखनी है, दिस इज द करेक्ट वे टू राइट द डेट। उसके बाद यू हैव टू राइट टाइटल और हेडिंग, टाइटल और हेडिंग बच्चे आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, रनिंग हैंड में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो बेसिकली यहाँ पर टाइटल और हेडिंग में उस इवेंट का नाम आता है, जो भी क्वेश्चन में मेन इवेंट दिया हो वो आप यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद मेन बॉडी शुरू करने से पहले आपको लाइन छोड़नी है, तो सबसे ऊपर एक लाइन छोड़नी है, फिर चार लाइन में ही आएगा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नोटिस इन बोल्ड लेटर्स, 15 जून, देन टाइटल और हेडिंग, फिर लाइन छोड़ के आपकी मेन बॉडी आएगी। मेन बॉडी में मैं आपको बता दूंगा क्या लिखना है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, बस उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद अगेन आपको एक लाइन छोड़नी है आपका नेम और डेजिग्नेशन, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दिया है कि आप हेड बॉय हो स्कूल के, तो आपका नाम राहुल बताया गया, तो राहुल और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हेड बॉय, और फिर लाइन छोड़ के आपको बंद कर देना अपना नोटिस, ठीक है। चलो अब एक सॉल्व एग्जांपल करते हैं जिससे कि मैं आपको एग्जैक्टली ये भी बता दूंगा कि लिखना क्या है, ठीक है। चलो ओके, मेरा फोन नीचे गिर गया, मैं फोन उठा लेता हूँ। हाँ चलो बच्चे, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी और ध्यान से देखो, एन इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन, तो भाई यहीं से अंडरलाइन कर लो, यहीं से बच्चा अंडरलाइन कर लो, इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन। तो हमें पता चल गया कि भाई क्या होने वाला है इवेंट, इवेंट का नाम पता चल गया, इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन इज टू बी हेल्ड इन दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू, पता चल गया भाई ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी पता चल गया, एज अरुण, नेम पता चल गया, हेड बॉय ऑफ द स्कूल, आपका डेजिग्नेशन हेड बॉय है। अगर देखो इसमें से कोई चीज नहीं गिवन होगी, आप एक्स वाई जेड लिख सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। Of the school draft a notice to put upon the notice board inviting entries. तो आपको entries चाहिए, आप notice लगा रहे हो भाई, आप head boy हो, आपको बच्चों के नाम चाहिए जो inter class quiz competition में participate करना चाहता है, provide all necessary information, आपको सारी necessary information देनी है 50 words. तो क्या करना है, चलो मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने भाई सिर्फ यहाँ पे तीन margins बनाने, नीचे वाला margin नहीं बनाना, पहली वाली line छोड़नी है, दिल्ली पब्लिक स्कूल नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, बोल्ड लेटर्स में नोटिस, डेट, और उसके बाद क्या है कॉम्पिटिशन, क्या है इवेंट, इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन, तो आपका आएगा इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब लाइन छोड़ के अब देखो कैसे लिखना है, सबसे पहले इवेंट का नाम लिख दो,
ठीक है, जैसे यहाँ लिखा इंटर एंड इंटर क्लास को इस कॉम्पिटिशन, ठीक है, अगर ब्लड डोनेशन कैंप होगा तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप डाल देना, ठीक है, एजुकेशन फेयर होगा यहाँ पे एजुकेशन फेयर डाल देना, साइंस फेयर होगा साइंस फेयर डाल देना, बुक एग्जीबिशन होगा बुक एग्जीबिशन डाल देना, जो भी इवेंट का नाम हो वो लिख दिया, ठीक है, इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन, ठीक है, तो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो जो चीजें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करनी है वो चेंज कर देना, ठीक है, विल बी हेल्ड आपने कॉमन लिखना है, कहां पर हो रहा है, इन आर स्कूल, ठीक है, वेन्यू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी वेन्यू होगा लिख देना, फॉर, अब देखो इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन है तो इतना तो बताओगे ना कौन सी क्लासेस के लिए हो रहा है, फॉर क्लासेस 9th to 12th, कब हो रहा है, ऑन 21st June, अच्छा फॉर एग्जाम्पल 15 June को आपका ये नोटिस लिखा गया है 2023 कर देता हूं, तो 21st June मतलब इवेंट जिस दिन नोटिस लिखा जाता है, कम से कम इवेंट 2 से 3 दिन आगे की डेट डालो ना, क्योंकि जिस दिन भी इवेंट हो रहा है तो आप उसके एक दिन पहले तो ना नाम मांगोगे, कम से कम 3-4 दिन पहले नेम्स मांगोगे, नहीं मांगोगे, ठीक है, 21st June at 11 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम, तो हमने डेट मेंशन कर दिया, टाइम मेंशन कर दिया, वेन्यू मेंशन कर दिया, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, बहुत ही सिंपल है, इवेंट का नाम लिखो, इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन अ स्कूल फॉर क्लासेस 9 to 12 ऑन 21st June एट 11 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम, यही सेम सेंटेंस आपको हर नोटिस में लिखना है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा चेंज कर देना। अब बस एक क्रक्स आपको बता रहा हूं, एक सेंटेंस अपनी क्रिएटिविटी से लिखना, ठीक है, ये मेरा आप चाहे स्टार पॉइंट मार्क कर लो, ऐसे याद रख लो, हिमाल सर ने एक स्टार पॉइंट बताया था, ओनली वन सेंटेंस जिसमें आपकी क्रिएटिविटी देखी, जिसपे लगे टीचर को कुछ तो बच्चे ने नोटिस में कुछ एक्स्ट्रा लिखा है रिलेटेड टू द इवेंट, बस एक सेंटेंस कम से कम आपको इवेंट से रिलेटेड दिख रहा है, जैसे यहाँ पे इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन है तो आप बता दो किस टॉपिक पे क्विज होगा, क्या थीम है, बस तो थोड़ा सा बच्चे की क्रिएटिविटी दिख जाएगी, फुल मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नहीं तो टीचर आधा नंबर काट ही लेता है, जैसे यहाँ लिखे द थीम ऑफ द कॉम्पिटिशन इज जनरल नॉलेज, बस सिंपल सा सेंटेंस है, आप खुद से थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज करनी है कि अगर इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन हुआ है तो उसकी थीम क्या होगी, कुछ भी हो सकती है, जनरल नॉलेज। अच्छा जी, अगला सेंटेंस हर नोटिस में कॉमन, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो नीचे लिखे हुए नाम को कॉन्टैक्ट करें लेटेस्ट बाय 18th June, तो देखो यहाँ पे डेट का बहुत ज्यादा खेल है, 15 जून को नोटिस लगाया गया है, 21 जून को इवेंट हो रहा है और आप बोल रहे हो मैक्सिमम 18 जून तक सबको नाम सबमिट करने हैं, तो डेट उसी से उसी अकॉर्डिंग लिखना कि आपका नोटिस अटपटाना लगे। उसके बाद लाइन छोड़ के अरुण डेजिग्नेशन हेड बॉय स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंड नोटिस क्लोज, सो एन इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन अ स्कूल फॉर क्लासेस 9 टू 12 ऑन 21st ऑफ जून एट 11 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम, द थीम ऑफ द कॉम्पिटिशन इज जनरल नॉलेज, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन लेटेस्ट बाय 18 जून, ठीक है, सो बच्चे इस तरीके से आपको लिखना है नोटिस। तो अगर आपको अच्छे से नोटिस राइटिंग समझ आ गया तो बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी, सो दैट मैं भी मोटिवेट हूँ और वीडियोस बनाने के लिए, और इसी तरीके से क्लास 12th या अगर आप किसी और ग्रेड के स्टूडेंट हो, मैं ग्रामर और राइटिंग सेक्शन पूरा का पूरा इस चैनल पे कवर करूंगा, सो इसीलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, सो दैट मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ आप तक पहुंच जाए, और इस सेशन की PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इंस्टाग्राम चलाते तो मुझे जरूर फॉलो करो, डाउट के लिए मुझे कभी भी DM कर सकते हो, ठीक है, दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन, बाय बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।